दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पा सकें। दोस्तों, उससे पहले अगर आप लोगों के पास हमारा वीडियो देखने के लिए समय नहीं होता है और आपको ऐसी ही रोचक जानकारियों का शौक भी है, तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर ऐसी ही जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं और कुछ ऐसी जानकारियां भी प्राप्त कर सकते हैं जिसका वीडियो बनाकर हम YouTube पर नहीं डाल सकते। तो दोस्तों, आप हमारी वेबसाइट www.rahasyatvindia.com पर जाएं और ऐसी रोचक जानकारियों से अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम सबके मन में कभी ना कभी एक सवाल उठता है, क्या समय यात्रा यानी टाइम ट्रैवल संभव है? क्या हम समय में पीछे या आगे जा सकते हैं? आज हम ऐसी ही एक सच्ची घटना के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आपको मैं बताना चाहता हूं कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करें और वीडियोस को अपने दोस्तों से फेसबुक और व्हाट्सएप के द्वारा भी शेयर करें, क्योंकि यूट्यूब के एल्गोरिदम में रोज बदलाव आ रहे हैं और हमारे वीडियोस के व्यूज अचानक 25,000 से घटकर 3,000 पर आ गिरे हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस चैनल की हालत कितनी खराब हो चुकी है, क्योंकि यूट्यूब चाहता है कि हम पैसे दे के अपने वीडियोस प्रमोट करें जिस पे हम विश्वास नहीं रखते। तो दोस्तों, वीडियोस पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, यह सच्ची घटना है एक ऐसे आदमी की जिसने समय में यात्रा की और सालों आगे चले गए। साल 1951 जून के महीने की एक रात को लगभग 11:15 पर न्यूयॉर्क सिटी के टाइम स्क्वायर पर आते जाते लोगों ने एक आदमी को देखा जिसकी उम्र लगभग 20 साल के करीबन लग रही थी और जिसने पुराने से कपड़े पहने थे जो कि 18वीं शताब्दी के थे। किसी ने उसको वहां पर आते हुए नहीं देखा था। वह आदमी वहां बीच में परेशान सा खड़ा था, जैसे कि वह रास्ता भूल गया हो। वह किसी तरह वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक से वह एक गुजरती हुई टैक्सी से टकरा गया और बुरी तरीके से घायल हो गया। जब तक लोग वहां पहुंचे तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। उतनी ही देर में वहां पुलिस भी पहुंच गई और उसे मुर्दा घर ले गई, जहां उसकी तलाशी ली गई। तब उसकी जेब से कुछ चीजें पाई गईं, जो कि एक 5 सेंट का तांबे का टोकन जो बियर खरीदने के लिए था, जिस पे एक दुकान का नाम लिखा था जो कि वहीं पर सालों पुरानी प्रचलित दुकान थी, जिस दुकान को सभी बड़े बूढ़े भी जानते थे। दूसरी चीज जो उसकी जेब से निकली वह था एक बिल जो उसके घोड़े को नहलाने धुलाने का था, जिस पर उस अस्तबल का एड्रेस लिखा था लेक्सिंगटन एवेन्यू। जब पुलिस उस पते पर गई तब वहां कोई अस्तबल नहीं था। तीसरी चीज जो उसके जेब से निकली वह $70 के पुराने बैंक के नोट थे। चौथी चीज थी एक बिजनेस कार्ड जिस पर नाम लिखा था रुडोल्फ फ्रेंड्स और एड्रेस था 5th Avenue न्यूयॉर्क। पांचवी चीज थी एक पत्र जो जून 1876 को फिलाडेल्फिया से रुडोल्फ फ्रेंड्स के नाम पर आया था। छठी और आखिरी चीज थी एक मेडल जो तीन पैर की दौड़ यानी दो लोगों के पैर को साथ में बांधकर लगाई गई दौड़ पर तीसरा स्थान प्राप्त करने पर दिया गया था। इन सभी 6 चीजों पर कहीं भी उसकी उम्र नहीं लिखी थी कि जिससे उसकी उम्र का पता चल सके। न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट ने इस केस को सुलझाने के लिए कप्तान ह्यूबर्ट वी रिम जो लापता लोगों के विभाग संभालते थे उन्हें दिया गया। ह्यूबर्ट ने उसकी जेब से मिली चीजों की जानकारी से उसका पता लगाना शुरू किया। जब वह रुडोल्फ फ्रेंड्स के एड्रेस 5th Avenue जो बिजनेस कार्ड पर लिखा था वहां पहुंचे, तब उसके मौजूदा मालिक ने कहा यहां कोई रुडोल्फ फ्रेंड्स नहीं रहता और पहले ना ही उन्होंने इसका नाम कभी सुना है। ह्यूबर्ट ने पता लगाना शुरू किया,
तब यह पता चला कि यह पता न्यूयॉर्क की एड्रेस बुक में भी नहीं है और ना ही इसके उंगलियों के निशान कभी कहीं दर्ज किए हैं और ना ही किसी ने इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई है। ह्यूबर्ट ने हार नहीं मानी और वह छानबीन करने में लगे रहे और आखिर में उन्होंने रुडोल्फ जूनियर के नाम से 1939 की टेलीफोन डायरेक्टरी में एक फोन नंबर और पता लिखा हुआ पाया। ह्यूबर्ट जब उस पते पर पहुंचे तब वहां रहने वाले लोगों ने बताया कि वह फ्रेंड्स को जानते हैं जिसकी उम्र लगभग 60 वर्ष है और वह पड़ोस में ही काम करता था। 1940 में रिटायर होने के बाद वह कोई अनजान जगह में रहने के लिए चला गया पर उसका बैंक खाता अभी भी बगल के बैंक में ही है। जब ह्यूबर्ट ने बैंक से संपर्क किया तब बैंक अधिकारियों ने ह्यूबर्ट को बताया कि रुडोल्फ फ्रेंड्स जूनियर की मौत तो 5 साल पहले ही हो चुकी है पर उनकी पत्नी अभी भी फ्लोरिडा में ही रहती हैं। ह्यूबर्ट ने उनकी पत्नी से संपर्क किया और यह पता चला कि उनके ससुर यानी रुडोल्फ फ्रेंड्स जूनियर के पिता 1876 में लापता हो गए थे। उनकी उम्र उस समय लगभग 29 साल थी। वह शाम को सैर करने के लिए निकले पर कभी नहीं लौटे। उनकी उन्होंने कई जगह तलाश की पर वह कभी नहीं मिले। तब कप्तान ह्यूबर्ट रिम ने साल 1876 के गुमशुदा लोगों की पुलिस रिपोर्ट के दस्तावेज में रुडोल्फ फ्रेंड्स को खोजा। वहां उन्होंने वैसे ही उम्र कपड़े और हुलिये वाले रुडोल्फ फ्रेंड्स के नाम से गुमशुदा होने के दस्तावेज पाए जिसकी लाश उन्होंने हाल में ही टाइम्स स्क्वायर में सड़क दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति से मिलती थी जिसका नाम भी रुडोल्फ फ्रेंड्स था। ह्यूबर्ट एकदम चौंक गए और इस बात को वहीं पर दबा दिया और इन सारी बातों को कभी भी सरकारी दस्तावेजों में नहीं लिखा क्योंकि वह डर गए थे कि लोग कहीं उन्हें पागल ना समझने लगें और कहीं उन्हें नौकरी से निकाल ना दें। और यह केस आज तक ऑफिशियली नहीं सुलझा और आज भी यह सारे दस्तावेज तो मौजूद हैं पर रुडोल्फ फ्रेंड्स के परिवार की पीढ़ियों का कोई अता पता नहीं है। आज तक यह इस सदी का समय यात्रा का सबसे बड़ा और अनसुलझा रहस्य बनकर रह गया है। आज के इस भाग में हम बात करेंगे 20वीं शताब्दी की एक ऐसी रहस्यमयी और हैरान कर देने वाली घटना जिसके सामने एलियन या यूएफओ देखे जाने वाली सारी घटनाएं फीकी लगती हैं। ये घटना है एक ऐसे रहस्यमय व्यक्ति की जो शायद दूसरे आयाम यानी पैरेलल यूनिवर्स से आया था। यह असामान्य घटना घटी बिल्कुल एक सामान्य से दिन में और वह भी हजारों लोगों के बीच हैनेडा एयरपोर्ट टोक्यो में। और उस दिन से आज तक उस व्यक्ति का रहस्य सुलझ नहीं सका है और शायद ही कभी सुलझेगा। हैनेडा एयरपोर्ट टोक्यो, साल 1954 का एक सामान्य दिन था। विमानों की आवाजाही चालू थी, लोगों की आवाजाही से एयरपोर्ट पूरा व्यस्त था। हर रोज की तरह वहां यूरोप से आया एक हवाई जहाज उतरा। सारे यात्री कस्टम्स की तरफ बढ़ चले थे। तभी कस्टम में उस रहस्यमय व्यक्ति का नंबर आया। वह अधेड़ उम्र का श्वेत व्यक्ति था और उसने कपड़े भी अच्छे से पहने हुए थे। अधिकारियों ने उससे जापान आने का कारण पूछा तो उसने बताया कि वह अपनी बिजनेस ट्रिप पर आया है और इस बार जापान आया है। पहले उसने फ्रेंच भाषा में बात करी परंतु फिर वह उनकी ही जापानी भाषा में उनसे बात करने लगा। तभी उसने अपना वॉलेट कस्टम अधिकारियों को खोलकर दिखाया जिसमें कई सारे यूरोपियन देशों की मुद्राएं थी। वह यह बताना चाहता था कि वह बिजनेस ट्रिप पर एक देश से दूसरे देश आता जाता रहता है। अभी तक सब कुछ सामान्य लग रहा था। तभी अधिकारियों ने उससे उसका पासपोर्ट मांगा जिससे कि उसका मूल देश का पता चल सके और इसी क्षण से इस घटना ने अजीब रूप लेना शुरू कर दिया। उसने बताया कि वह टॉर्ड देश से है जो फ्रांस और स्पेन के बीच में है। अधिकारियों को लगा वह हंसी मजाक कर रहा है परंतु जब उसने अपना पासपोर्ट दिखाया तो सभी हैरान रह गए। वह पासपोर्ट
टॉर देश द्वारा बनाया गया था, एक ऐसा देश जो इस संसार में है ही नहीं। अधिकारियों को लगा कि वह नकली पासपोर्ट है, परंतु जब उन्होंने पासपोर्ट खोला तब उसके पासपोर्ट पर कई सारे देशों के पुराने वीजा लगे हुए थे, जिसमें जापान का भी वीजा था। उस पुराने वीजा की जांच की गई तो यह पता चला कि यह सारे वीजा स्टैम्प असली हैं, यानी जिससे यह बात साबित हुई कि वह सच बोल रहा था। उन्होंने पूछा कि वह कौन सी कंपनी से बिजनेस मीटिंग करने आया है, तब उसने ऐसा नाम बताया जिस नाम की कोई कंपनी जापान में थी ही नहीं। अब वह व्यक्ति और भी ज्यादा संदिग्ध होता जा रहा था। तब अधिकारियों ने उससे और पूछताछ शुरू कर दी। उन्होंने उससे पूछा कि वह यहाँ किस होटल में रुकने आया है, उसका पता बताएं। उसने अपना होटल रिजर्वेशन दिखाया और जिस बैंक खाते से उसने एडवांस में होटल में भुगतान किया था उसका चेक कटा हुआ दिखाया, परंतु उस नाम का ना तो कोई होटल था और ना ही उस नाम का कोई बैंक था। कस्टम अधिकारियों ने उसे वर्ल्ड मैप दिखाया और पूछा कि उनका देश कहाँ है। उसने एक छोटे से देश एंडोरा की तरफ उंगली करी। उसने अधिकारियों को कहा कि यहाँ नक्शे पर गलत नाम छपा हुआ है, इस देश का नाम एंडोरा नहीं टॉड है, जो हजारों साल से अस्तित्व में है। वह खुद बुरी तरीके से यह सब देखकर घबराया हुआ था। उस रहस्यमय व्यक्ति को कस्टम ने डिटेन्ड कर लिया और पास के ही होटल में उसको ठहरा दिया और उधर अधिकारी उसकी जांच में लग गए। उसके कमरे के बाहर दो इमिग्रेशन अधिकारियों को तैनात किया गया था। अगली सुबह एक ऐसी घटना हुई जिससे सभी लोग स्तब्ध रह गए। वह व्यक्ति उस कमरे में था ही नहीं, वह गायब हो चुका था। कुछ लोगों का मानना था कि शायद वह खिड़की से भाग गया होगा, पर रहस्यमय बात तो यह थी कि वह काफी ऊपर की मंजिल पर थी और जिसके आसपास कोई उतरने का सहारा भी नहीं था। और इससे भी ज्यादा रहस्यमय बात थी कि खिड़की अंदर से बंद थी और बाहर दरवाजे पर इमिग्रेशन अधिकारी। तो आखिर वह व्यक्ति गायब कैसे हुआ? यह मामला और रहस्यमय हो गया जब उसकी सारी व्यक्तिगत दस्तावेज, पासपोर्ट, चेकबुक और ड्राइविंग लाइसेंस, जो टॉड देश के द्वारा जारी किए गए थे, एयरपोर्ट के सुरक्षा कक्ष से भी गायब हो गए। टोक्यो की स्थानीय पुलिस और एयरपोर्ट अधिकारियों ने उसे ढूंढने में दिन रात एक कर दिए, परंतु फिर कभी उस व्यक्ति का इस दुनिया में पता नहीं चल पाया। उसके वीजा स्टैंप की जानकारी से हर देश में उसकी खोज की गई, परंतु कहीं उसका कोई सुराग नहीं मिला। वह व्यक्ति आखिर था कौन? यह एक रहस्य ही रह गया है। कुछ लोग मानते हैं कि शायद वो कोई संदिग्ध अपराधी या स्मगलर हो सकता है, पर सोचने वाली बात यह है कि अगर वह व्यक्ति इतना ही शातिर था कि असली वीजा स्टैंप अपने पासपोर्ट पर लगा सकता था, तो वह पासपोर्ट किसी असली देश का बनाता, ना ही कोई नकली देश का जो इस धरती पे मौजूद ही नहीं है, जिससे उसे पुलिस पकड़ ना सके। कुछ शोधकर्ता और विचारक जो समानांतर ब्रह्मांड यानी पैरेलल यूनिवर्स के अस्तित्व पर विश्वास करते हैं, उन सभी का यही मानना है कि यह गलती से किसी माध्यम से इस आयाम में आ गया था और जैसे ही उसे इसका एहसास हुआ, वह किसी तरीके से अपने आयाम जहां से वह आया था वहां वापस चला गया। आपको मैं यह बता दूं कि इस आधुनिक संसार में कुछ बहुत बड़े वैज्ञानिक और शोधकर्ता समानांतर ब्रह्मांड के होने की बात मानते हैं, और सर्न के वैज्ञानिकों ने तो यह दावा किया है कि वह आने वाले समय में शायद ब्लैक होल के द्वारा समानांतर ब्रह्मांड की खोज कर सकते हैं। यदि इन वैज्ञानिक तथ्यों से परे हम हिंदू मैथोलॉजी में देखें तो हमें कई ग्रंथों में पैरेलल यूनिवर्स का जिक्र मिलता है, और आमतौर पर आपने हिंदू मैथोलॉजी में सुना होगा कि एक व्यक्ति के 7 जन्म होते हैं, और इसी के अनुसार हिंदू मैथोलॉजी में 7 समानांतर ब्रह्मांड बताए गए हैं। यह तो हो गई पौराणिक कथाएं, पर आज की दुनिया की बात करें तो हम यह भली भांति जान चुके हैं कि इस ब्रह्मांड में अनगिनत ग्रह हैं और किसी न किसी ग्रह पर जीवन तो मौजूद होगा ही, बस उसे ढूंढने की देर है। क्या पता आने वाले समय में
मनुष्य स्पेस टाइम में फेरबदल करना सीख जाए और समानांतर ब्रह्मांड की खोज कर ले। दोस्तों, कुछ थ्योरीज और हाइपोथेसिस ऐसी हैं जिन पर मैं चाह कर भी वीडियो नहीं बना सकता हूँ, इसीलिए हमने अपनी वेबसाइट लॉन्च करी है www.rahasyatvindia.com। मैं उन सभी टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा जिसका वीडियो मैं नहीं बना सकता। आने वाले समय में आपको मैं आगे की सारी जानकारी देता रहूंगा। आज के वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों से फेसबुक या व्हाट्सएप के द्वारा इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि मैं आपको अपने अगले भाग में भी देखूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।